हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मोदी सरकार की मुद्रा योजना भी डूबी, 14,000 करोड़ का एनपीए हो सकता है घोषित। मोदी सरकार और नॉन प्रॉफिट एसेट यानी कि एनपीए एक दूसरे का पर्याय बनते जा रहे हैं। अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुद्रा में भी एनपीए घोषित हो सकता है। गौरतलब है कि बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है। एनपीए बैंकों का वो लोन होता है जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं होती। इस कर्ज में 90% से ज्यादा हिस्सा उद्योगपतियों का है। अक्सर उद्योगपति बैंक से कर्ज लेकर खुद को दिवालिया दिखा देते हैं और उनका लोन एनपीए में बदल जाता है। यही उस लोन के साथ होता है जिसे बिना चुकाए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना की शुरुआत स्वरोजगार के नजरिए से की गई। इसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो हर साल नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन जब वो अपना वादा नहीं निभा पाए तो उन्होंने स्वरोजगार के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन दिए जाते हैं। गुड गवर्नेंस का नारा देने वाली मोदी सरकार ने रिकॉर्ड बनाने और उसका प्रचार करने की जल्दी में मुद्रा योजना को घोटालों का घर बना दिया है। 3 साल से चल रही इस योजना ने अब सरकार की नींद उड़ा दी है। केंद्र सरकार को डर है कि मुद्रा योजना से भी कहीं देश के बैंकों का एनपीए ना बढ़ जाए और बैंकों को उबारने की उसकी कोशिशें धरी की धरी ना रह जाएं। योजना के तहत केंद्र सरकार ने 3 साल के दौरान लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का काम किया है। मीडिया में छपे कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि मुद्रा योजना के तहत दिए गए इन कर्जों में एनपीए तेजी से बढ़ते हुए 14,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि एक हिंदी अखबार द्वारा एनपीए की रकम के इस दावे की पुष्टि वित्त मंत्रालय अथवा बैंकिंग व्यवस्था से नहीं हो पाई। जानकारों के मुताबिक ये स्थिति इसलिए बनी कि सरकार का लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा अनाप शनाप तरीके से कर्ज बांट दिए गए। अब हालत ये है कि स्टेट बैंक द्वारा दिए गए 75% और ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए 99% मुद्रा लोन डूबने की स्थिति में पहुंच गए हैं। सरकारी बैंकों के एनपीए में भी पिछले कुछ सालों में इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई। रिजर्व बैंक ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि जून 2017 के आखिर में देश का एनपीए 9,50,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 2013-14 में ये 2,40,000 करोड़ था। देश में लगभग 90% एनपीए सरकारी बैंकों का ही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।